अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी कुछ स्पेशल है। जो मैं हीरोड गई थी वहाँ से मैं अपने मामी आप लोगों को दिखाया भी था वो वाली रेसिपी जो उन्होंने चिकन को मसाला बनाया था, वो बहुत ही टेस्टी था। मैंने आप लोगों को वहीं भी कहा था कि ये बहुत टेस्टी बनता है, तो मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा दोबारा एक बार बना लूँ उसको। तो यहाँ पे ना आपको पहले दिखा दूँ, आज की जो रेसिपी है ना, मैंने फ़िश ग्रेवी बनाई है अपने लिए। तो ये तो बच्चे खाते नहीं हैं, आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे मैंने फ़िश ग्रेवी बनाई है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम लगभग, लेकिन मेरे पीसेस है ना थोड़े बड़े हैं। जब उन्होंने बनाया था बोनलेस पीसेस था, ये है ना विद बोन है एंड बोनलेस भी है, इसमें दोनों मिक्स हैं। तो इसका मेथड जो मैं आपको दिखाऊंगी ना, एक तो मैंने वो खट्टे वाले टमाटर जो होते हैं उसको ना मैंने ऐसे बारीक सॉरी रफली चॉप करके रख लिया है इस तरह। और यहाँ पे लिया है करी लीव्स, 2-4 कड़ी पत्ते लिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ले सकते हैं, यानी तो इसको स्किप कर सकते हैं। उन्होंने भी नहीं डाला था इसको, मुझे इसका टेस्ट जो ये कड़ी पत्ते का टेस्ट है ना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़े से ले लिए हैं। आपको अगर नहीं चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने कोथिमीर, इसको वॉश करके रख लिया है। मैंने कोथिमीर ना थोड़ी ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि उसको जो मसाला है ना वो ग्रीन दिखना चाहिए। और यहाँ पे है 2 हरे मिर्च, सेम तमिलनाडु वाली हरे मिर्च ली है मैंने, इसको भी वॉश कर लिया है। और यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट है। और यहाँ पे टर्मरिक का पाउडर 1 स्पून लिया है मैंने। और यहाँ पे है ब्लैक पेपर, बस इतना ही डाला था उन्होंने और कुछ नहीं डाला था। तो यहाँ पे है चिकन और यहाँ पे है ग्रीन धनिया मीन्स कोथिमीर, एंड टेस्ट के हिसाब से है सॉल्ट, टर्मरिक 1 स्पून एंड ब्लैक पेपर है। आपके स्पाइसी हिसाब से लें, टेस्ट के हिसाब से, मतलब स्पाइसी आपको कितने चाहिए इतना ले सकते हैं। यहाँ पे एक ही टमाटर लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है इसमें क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहती, बस ड्राई हिसाब से रहती है। और यहाँ पे मैंने करी लीव्स ऑप्शनल है, आपको बता दिया कि होना तो ले सकते हैं यानी तो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 2 हरे मिर्च, ठीक है। जो ये हमारा छोटा वाला जार है हम इसमें पूरी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली वगैरह सब कुछ ऐड कर रही हूँ। अच्छा, सब ऐड करने का मतलब टर्मरिक को मैंने साइड में ही रखा है, टर्मरिक को नहीं ऐड करना है मुझे। बाकी जो है कोथमीर, करी पाक, कड़ी पत्ता क्या बोलते हैं, टमाटर, हरे मिर्च, सॉल्ट, इन सबको मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा इसमें वाटर भी डालूँगी, इसका एक अच्छा सा प्योरी पेस्ट बनाऊँगी मैं। तो देखिए मैं पूरा कुछ डाल दिया, बस टर्मरिक को साइड में रख लिया है। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, बस इसको पेस्ट बनाना है मुझे। अच्छा, तो हमने बना लिया है प्योरी पेस्ट। मेरा थोड़ा पानी ज़्यादा नहीं, बस ठीक ही है। आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला जो है ठीक है। अब मैंने आपको बात करते टाइम ही मेरा कुकर मैंने ऑन कर लिया था और यहाँ पे ऑयल भी डाल लिया था, आप लोगों ने देखा था। तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट क्या करती हूँ, चिकन को डाल देती हूँ, जो अच्छी तरह मेरा चिकन वॉश हुआ था। तो क्लीन होने के बाद इसको मैं डायरेक्टली इसी में डालती हूँ। अच्छा, तो हमारा चिकन है ना अच्छी तरह इसको कलर चेंज होने तक, थोड़ा येलोइश कलर आने तक हम इसको तेल में तलते रहेंगे। आप लोगों ने देखा था कि उन्होंने कहाँ तक तला था चिकन को, पूरा कलर चेंज होने तक उन्होंने तेल में अच्छी तरह तला था। तो मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही रखा है, तो अच्छी तरह मेरी चिकन जो है वो कलर चेंज होने तक मैं इसको तेल में तलती रहूँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी ये प्योरी नहीं डाला है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना भूल गई थी, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जो यहाँ पे था वो वाला पेस्ट भी आपको डालना है। तो मैं दिखाते टाइम ना आपको भूल गई थी, तो यहाँ पे आप जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक बाद में डालेंगे। अगर आपके पास ये फ्रेश पिसा हुआ नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो कोई बात नहीं है। जब हम ये मसाला पीसेंगे इसमें से थोड़ा सा जो छील के अदरक और लहसुन इसमें मिक्स करके इसी में हम मिक्सर कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो, अवेलेबल नहीं है तो इस तरह करें, यानी तो इस तरह मेरा मेथड ही यूज़ कर लें। तो मैं जब भी फ्रेश ग्रेवी अपने लिए बनाना चाहती हूँ ना, उस टाइम पे मुझे दो दो रेसिपी बनाना पड़ जाता है क्योंकि मेरे घर में कोई खाता नहीं है, दो तीन मेम्बर्स जो है
उनको फ़िश पसंद नहीं है, बाकी लोगों को फ़िश पसंद है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, मेरी फैमिली अभी तक वापस नहीं आई है जो फ़िश खाने वाले हैं, तो मैं एक हूँ। तो मेरे लिए मैंने फ़िश ग्रेवी को पहले ही रेडी कर लिया था मॉर्निंग में, अभी ये रेडी कर रही हूँ। मेरा वाइट राइस जो है राइस कुकर पे रेडी हो रहा है। तो अच्छा, ये मैं कल, आप लोगों को मालूम ही है कि संडे मैं क्लीन करती हूँ हमेशा, तो जब मैं क्लीन, आज ना नीचे वाले कबर्ड्स भी क्लीन कर रही थी, तो मुझे मैंने याद भी नहीं है मैंने ये कब लिया था। ये होल्स वाला एक बर्तन है मेरे पास जो मैंने लिया था, और ये जो है ना छोटे छोटे बर्तन है, तो मुझे याद भी नहीं मैंने कब लिया था कब नहीं। तो इसको भी अब मैं सोच रही हूँ इसमें क्या बनाऊँ, इतने इतने से तो है ही ये, तो देखेंगे इसमें क्या बनाना। इसमें तो चलो हम वॉश कर लेंगे कुछ भी, ये दो में मालूम नहीं क्या बनाना है, देखते हैं। कुछ छोटा रेसिपी बनाना हो तो इंशाल्लाह इसमें ट्राई करके देखेंगे। और ये मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने ला के दिया है मेरे लिए, ये नॉर्मल ग्रीन टी है, लिप्टन जैसे हिसाब में ग्रीन टी है डिप करने की, और यहाँ पे है गिंगर ग्रीन टी। उनको मालूम है कि मैं डाइट करती रहती हूँ, बहुत ये करती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कल ला के दिए थे ये, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये वाले ला के दिए थे गिंगर, तो मैं इसको टेस्ट करके देखूँगी, अभी तक तो मैंने करा नहीं है, बस इसको टेस्ट करना है। कल ला के दिए था उन्होंने मुझे ये आपके लिए, तो मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने मुझे ला के दिया था। अगर वो वीडियो देखते हैं उनके लिए, अगर देखते होंगे तो उनके लिए थैंक्स जो मुझे ला के दिए थे। वैसे मैं कल बाहर जा रही थी डिनर पे, तो वहाँ मुझे निकलते टाइम उन्होंने ला के दिया था, तो मैं बिज़ी थी, उनको थैंक्स भी बोल नहीं सकी। तो मुझे अभी अगर वो मेरे वीडियो देखेंगे तो उनके लिए भी थैंक यू जो मुझे ये डाइट वाला जो ग्रीन टी ला के दिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो ग्रीन चिकन जो है येलोइश कलर में चेंज होता जा रहा है। अभी टू थ्री मिनट्स में इसको ऐसे ही तलती रहूँगी ताकि इसको अच्छी तरह गल जाए। तो इसको अच्छी तरह गल गया है, अभी मैं डालती हूँ यहाँ पे टर्मरिक जो हमने हल्दी लिया था, एक स्पून छोटे स्पून से वो वाला टर्मरिक जो है मैं इसी में मिक्स कर दूँगी, और साथ ही साथ डालूँगी गिंगर एंड गार्लिक पेस्ट, जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे पास फ्रेश पिसा हुआ है वो वाला अदरक लहसुन पेस्ट जो है हमने चिकन में ऐड कर दिया। अब इसको भी मैं मिला के अच्छी तरह तल लूँगी ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो चले जाए, तो एक माइल्ड सी स्मेल, अच्छी सी स्मेल आ जाए हमारे चिकन में। जब तक मैं इसको ऑयल में अच्छी तरह तलती रहूँगी, अगर पानी जो हमारा चिकन वॉश करके है ना, अगर इसमें पानी निकलता वो भी सुखा लेंगे। वैसे तो मेरे पास मैंने अच्छी तरह इसको ड्राई कर दिया था, लेकिन अगर थोड़ा बहुत निकलेगा भी तो इसी में मैं अच्छी तरह सुखा दूँगी। तो आप लोगों को दिखता होगा मैंने कितना अच्छा उसको कलर चेंजेस कर लिया है और कितना अच्छा तल लिया है। अब मैं जो पेस्ट बना के हूँ वो वाला पेस्ट इसमें डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो अब इसको मैं अच्छी तरह तल लूँगी, पहले इसको अच्छी तरह ना जो हमारा मसाला है और जो हमारी चिकन है इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाला और चिकन अच्छी तरह एक में मिक्स हो जाए। तो उसके साथ साथ अच्छी तरह पका भी लेंगे, जो ये हमारी स्मेल आती है कोथमीर हरी मिर्च वगैरह की, तो इसको भी हम अच्छी तरह इसको वो कर लेंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी एक स्पून गरम मसाला, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, यानी तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे गरम मसाला एक स्पून लिया है मैंने, छोटे स्पून से ही लिया था, बस एक स्पून। तो इसको भी मैं इसी में मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि ये जब आप बनाएंगे स्मेल से ही आपको मालूम हो जाएगा कितना टेस्टी बन रहा है ये, तो माशाल्लाह इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। इसको मैं अभी वाटर और कुछ भी नहीं डाला, बस इसको मैं अच्छी तरह तल लूँगी। पहले मसाला सूखने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसमें एक दो सीटी लगा लेंगे, ताकि हमारी चिकन जो है ना अच्छी तरह गल जाए। अगर आपके पास बोनलेस ले रहे हैं तो एक विजिल लगाइए, अगर विद बोन है तो दो विजिल लगा के स्टोव बंद कर दें।
अच्छा आप देख सकते हैं कि मेरा जो ग्रेवी का मसाला है कितना अच्छा वो हो गया है, ड्राई हो गया है। इसमें जो वाटर था वो भी अच्छी तरह ड्राई हो गया। मेरा मसाले की जो कच्ची खुशबू है वो भी निकल गई है, एक अच्छी सी ग्रेवी बन गई। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। आप देख सकते हैं मैं बस दो विजिल लगाने के हिसाब से ही डालना और ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये जो ग्रेवी बना रहे हैं वो ड्राई होती है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, इसलिए मैं दो विजिल लगाने के हिसाब से ही बनाऊंगी। तो मेरी विजिल लगने के बाद आपको दिखाऊंगी। अच्छा तो मेरे सारे रेसिपी जो है ना रेडी हो गए, मेरा वाइट राइस भी रेडी हो गया और जो चिकन ग्रेवी है वो भी फिश वाली तो ऑलरेडी रेडी हो गई थी। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, आज को सर्व नहीं करना था मुझे, बस आपको मैं ऐसे दिखा दूँगी। यहाँ पे है मेरी टेस्टी टेस्टी फिश ग्रेवी एंड यहाँ पे है एमी एमी चिकन ग्रेवी, नॉट अ ग्रेवी, ड्राई चिकन ड्राई, बहुत ही टेस्टी लजीज है एंड मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया उसको। और यहाँ पे है मेरा गर्मा गर्म वाइट राइस। तो चलो मैं अपने प्लेट में सर्व कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा तो रेडी हो गई है मेरी प्लेट, माशाल्लाह आज बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। यहाँ पे है वाइट राइस एंड यहाँ पे है वो पानी एंड यहाँ पे है फिश ग्रेवी एंड यहाँ पे है ग्रीन मसाला। ये मुझे जब फिश ग्रेवी बनती है मैं कुछ और खाती नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा ले लिया है टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे है मीठा, लेकिन ये मैंने बनाया नहीं है, ये बस मुझे नेबर्स के घर से आया है, उन्होंने कहा मुझे टेस्ट करके बताना, तो ये भी टेस्ट करने के लिए रख लिया है मैंने। बस इतने ही बनी है मेरी प्लेट, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह आज की प्लेट, जब भी फिश ग्रेवी बनती है ना तो मैं डाइट भूल जाती हूँ अपना तो ना इसके साथ साथ जब तक मेरी विजल्स आ जाते थे तब तक मैंने अपने टाइल्स भी जल्दी जल्दी साफ कर लिया है और मेरा स्टफ भी क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं कुकिंग ख़त्म होती हूँ ना तो फौरन मुझे स्टफ़ एंड टाइल्स दोनों बहुत क्लीन होना चाहिए साथ ही साथ। और एक काउंटर टॉप भी मेरा आप देख सकते हैं, बस जो मैंने अभी कुक किया है वही है और कुछ नहीं है, एकदम क्लीन। और मैंने जो बर्तन रेसिपी के हो या मैंने बनाए हो पूरे एकदम क्लीन कर दिया, बस ये राइस कुकर नीचे चावल जो रहते हैं उसमें मैं पानी डालती हूँ, जब तक मैं खा के हो जाता है इतने में सारा क्लीन हो जाता है। तो इस तरह मैं अपनी कुकिंग को मैनेज कर लेती हूँ, यहाँ पे कुकिंग जैसा ख़त्म होती है साथ ही साथ मेरा क्लीनिंग भी शुरू हो जाता है, तो इस तरह मेरी किचन भी क्लीन हो जाती है और मेरे बर्तन भी क्लीन, तो हमेशा मैं इसी तरह करती हूँ। तो चलो अभी हम जाके टेस्ट करते हैं ये कैसा है। अच्छा तो मैं आ गई हूँ, मैं आज ना अपने बेड पे ही बैठी हूँ, डाइनिंग टेबल पे नहीं, क्योंकि इतना ठंडा मौसम है मेरी आवाज़ भी साथ ही साथ चेंज हो रही है, तो आज मुझे डाइनिंग टेबल पे नहीं है, क्योंकि डाइनिंग टेबल के पास ना मेरी बालकनी है तो बहुत ही हवा आती है मुझे, तो मैं आज थोड़ा बेड पे ही बैठ गई हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले मैं डाल लूँगी फ़िश ग्रेवी। अगर आपको मेरी फ़िश ग्रेवी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यानी तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं भूल गई तो आप वो मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने दो तरह के फ़िश ग्रेवी बनाए, एक मैं बनाती हूँ स्टाइल में, एक केरला स्टाइल में, दो स्टाइल में फ़िश ग्रेवी बना के हूँ। आपको कौन सी फ़िश ग्रेवी चाहिए आप देख सकते हैं, दोनों टेस्टी बने हैं। अच्छा तो मैंने दोनों डाल लिए हैं, माशाल्लाह बहुत टेस्टी लग रहा है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए और टेस्ट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, वो है हूँ मेरा कुकिंग, तो आप उस पर भी जाके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप कुछ रेसिपी बनाई है तो उस पर पिक्स कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, तो आपको फ़ौरन रिप्लाई मिल जाएगा। तो ग्रेवी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैं भी टेस्ट करके भी आपको बता देती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं हमेशा ना ये वाली फ़िश ही लेती हूँ जिसमें कांटे होते हैं, वो वाली है ना फ़िश बहुत टेस्टी बनती है, इसलिए मैं हमेशा यही लेती हूँ। आप भी ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।